मामला नारायणी कोतवाली क्षेत्र के पनगरा से सामने आया, जहां रिश्ते में जीजा और साली लगने वाले युवक और युवती के घर से कुछ दूर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस व अन्य जांच एजेंसी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मृतक युवक और युवती के परिजनों ने बताया कि मृतक बच्चा प्रजापति निवासी मटौत थाना, उम्र 25 वर्ष, श्यामा देवी निवासी पंगरा कोतवाली, नारायणी उम्र 21 वर्ष, यह दोनों रिश्ते में जीजा और साली लगते थे। मृतक की बहन की शादी मृतक युवक के बड़े भाई से हुई थी और शादी के बाद से ही रामा देवी अपने बहन के देवर से राम देवी का बोलचाल हो गया और बात प्रेम प्रसंग तक पहुंच गई। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे और विवाह भी करना चाह रहे थे, लेकिन पारिवारिक कुछ लोग यह विवाह को नहीं करना चाह रहे थे। कई बार रामा देवी और बच्चा प्रजापति ने एक दूसरे से शादी करने की बात अपने परिवार वालों से करी, लेकिन परिवार जल्द शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कल देर रात बच्चा प्रजापति अपने गाँव मटौत से रामा देवी से मिलने देर रात उसके घर नारायणी कोतवाली के पनगरा पहुंचा और दोनों की फोन से बात हुई। अब कुछ ही देर बाद शाम के वक्त लड़की भी सोच के बहाने युवक से मिलने के लिए घर से बाहर निकली और काफी देर तक जब घर नहीं पहुंची तो उसके बाद परिजन ने लड़की की खोजबीन करना शुरू किया। हालांकि परिजनों को शंका थी कि रामा देवी बच्चे के साथ कहीं चली तो नहीं गई। अब कुछ घंटे बाद सुबह के वक्त गाँव के ही कुछ लोगों ने पहाड़ के पिछले हिस्से अपने खेत खलिहान जा रहे थे। ग्रामीणों ने देखा कि रामा देवी और बच्चे के शव संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। मामले की जानकारी होने के बाद तमाम ग्रामीण स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से देखा और समझा। मामले की जानकारी देते हुए बांदा अपर पुलिस अधीक्षक लाल भारत कुमार पाल ने बताया कि एक युवक के शव मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। जिस समय घटना स्थल पर यह दोनों युवक और युवती मिले थे, इनके मुंह से झाग निकल रहा था। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड किया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी वजह स्पष्ट हो पाएगी। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? इसरार खान। कहां के रहने वाले? इसरार, ये जो खत्म हुए कौन है तुम्हारा? दोस्त है मेरा। कैसे गए हैं? लोग कह रहे हैं आत्महत्या की है, क्या है मामला? सर मुझे नहीं लगता कि मतलब आत्महत्या इसने की होगी, क्योंकि हम लोग के साथ बैठता था तो बताता था कि मतलब मुझे शादी इसी लड़की से करनी है और इसके अलावा अगर आत्महत्या करनी होती तो उधर क्यों जाता, अपने घर में नहीं कर लेता सर? तो क्या लगता है कि इन लोगों ने शादी करने के लिए नहीं कहा था क्या कि शादी कर दें? लड़का तो बोलता था मुझे शादी करना है। तो फिर क्या दिक्कत? लड़की थी? वालों को नहीं मालूम, नहीं लड़की वाले शायद नहीं करी हो या लड़की की शादी और कहीं कर दी हो, तो मतलब तय कर दी हो कि तो मतलब किसी ने मिलकर मार दिया हो, ऐसा भी हो सकता है सर। हम मतलब उधर के तो है नहीं, तो हम बता दें पूरी बात। आखिरी बार कब आपकी अपने दोस्त से बात हुई है? कल सुबह 9:30 बजे के आसपास मेरी मटौन बस स्टैंड में मुलाकात हुई है, जब ये व्हाइट कलर की शर्ट ब्लू कलर का जीन्स पहने जा रहा था। मैंने इससे पूछा कहाँ जा रहा, तो बोला चाचा इधर ही जा रहा हूँ। बस इतनी बात हुई मेरी लास्ट कल सुबह 9:30 बजे के आसपास। जी, ये पनगरा की घटना है और पनगरा में ये 22-23 साल के युवक और युवती हैं, ये प्रजापति परिवार के हैं और इनके द्वारा जो है आत्महत्या का कार्य किया गया है और संभवतः ये लग रहा है कि इन्होंने जहर खा करके आत्महत्या की है। इनके मुंह से झाग निकल रहा था और इसको पंचायतनामा और पीएम के लिए हम लोगों ने भेज दिया है और बाकी कार्रवाई चल रही है।